सचिन के नाम से गूंज उठा यशवंत स्टेडियम खासदार क्रीड़ा महोत्सव का किया उद्घाटन। नागपुर शनिवार को सचिन के नाम से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। सचिन को देखने और उन्हें सुनने के लिए हजारों की तादाद में उनके फैंस स्टेडियम में मौजूद थे। मास्टर ब्लास्टर के हाथों खासदार क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन सम्पन्न हुआ। इस दौरान मौजूद सचिन ने नागपुर और नागपुर के लोगों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जितने बार वे यहां आकर मैच खेले हैं, उनका स्टेडियम में मौजूद लोगों ने हौसला बढ़ाया है। दिव्यांग और जो देख नहीं सकते ऐसे खिलाड़ियों की उन्होंने तारीफ भी की। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तब से उनका जीवन बदलने लगा। उन्होंने कहा कि कई बार वे आउट नहीं होने के बावजूद भी अंपायर द्वारा आउट देने पर उन्हें काफी गुस्सा आता था। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए, जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको कोई अपना हीरो मानता है, चाहे आप अपने परिसर में ही क्यों ना खेले। इस कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गडकरी की संकल्पना के कारण यह महोत्सव हो रहा है। यह महोत्सव अब शहर की पहचान बन चुका है। नागपुर विभिन्न मैदानों पर अब खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। मध्य महाराष्ट्र की क्रिकेट की टीम और रणजी की क्रिकेट टीम का सत्कार सचिन और गडकरी के हाथों किया गया। एथलेटिक्स मल्लखंब लेजिम ढोल इस समय प्रस्तुति दी गई। गडकरी ने गेंद फेंककर और सचिन ने उनकी बैटिंग का नमूना भी इस दौरान दिखाया। तो देखते रहिए खास खबर MNS न्यूज लाइव के साथ। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।